ले लिया रण माही पंगा, श्री गुरु से चिलखत चढ़ाई के एक तलवार हाथ में रंगा। तो घमासान युद्ध हुआ लड़त शूर किया चंगा, नवल जीत कहे मैं गृहस्थ नहीं गिरिपुरी सन्यासी मंगा। गुम्फा में बाजे नगारा की गई भी गुम्फा कर जाई, चेतन ब्रह्मा खंड विराजे खुद झिल मिल जोत के माही। बेहद खोजो रे मेरे भाई, यू कहे रिच पाल विचारक की आवागमन मिट जाई। खाड़ा है ज्ञान का सुगरा कियो पहचान, सुगरा संग ज्ञान चलत है कि नुगरा सिर पे शैतान। तो सदगुरु ने काट दिया है शैतान और सुगरा बना यो महान, यू कहत है रिच पाल विचारक की ब्रह्म भेद को जान। आज गगन मंडल के रास्ते कठिन है चढ़ते संत सुजान, हीरर में गवन मुनि में लगे पुरियापुर का स्थान। आज सहज सिद्धि समाधि उन मुनि सहज सिद्धि समाधि उन मुनि, अन्न मुख से कुछ रे बोले ना वाणी परा पश्यन्ति मध्य महानी। मध्यम उन मुनि आज सहज सिद्धि समाधि उन मुनि, अन्न मुख से कुछ जी बोले नवानी परा पश्यन्ति मध्य महानी। ले श्वास अंदर बाहर को शून्य शिखर प्राण चढ़ता है कोई परम योगी पाता है। इस अमृत के झरने को कोई परम योगी पाता है, कोई परम योगी पाता है। इस अमृत के झरने को कोई परम योगी पाता है, कोई परम योगी पाता है। इस अमृत के झरने को कोई परम योगी पाता है।
वह होती गर्जना, अननीर धुंध में मस्त जी रहना, मोक्ष पद का वही ठिकाना। धुंध में मस्त रहना जी, मोक्ष पद का वही ठिकाना। जो तोड़े काल की जाल को निर्भय मौज करता है, कोई परम योगी पाता है। इस अमृत के झरने को कोई परम योगी पाता है, कोई परम योगी पाता है। परम योगी पाता है। मुक्ति मिले जो अमृत पीवे, अन्न योगी अनंत युग युग जीवे, फिर से जन्म मरण नहीं आवे। परमात्मा में लीन होता है, कोई परम योगी पाता है। इस अमृत के झरने को कोई परम योगी पाता है, कोई परम योगी पाता है। इस अमृत के झरने को कोई परम योगी पाता है, कोई परम योगी पाता है। आज मौला राम ने वह झरना देखा, अन योगी है जी वो पूरे घर का, टोला राम ने लख गया लेखा। योगी है रे वो पूरे घर का, टोला राम खुद लख गया लेखा। चोला राम ने पाया इस झरने को, खुद अनुभव करके गाता है, कोई परम योगी पाता है। इस अमृत के झरने को कोई परम योगी पाता, कोई परम योगी पाता है। इस अमृत के झरने को कोई परम वीर पाता है, कोई परम योगी पाता है। आज गंगा यमुना सरस्वती अन तीनों नार्य उसके घर बसती, न बिना इंद्रिया करे गृहस्थी। अन तीनों नार्य उसके घर बसती, बिना इंद्रिया करे गृहस्थी। मौसम एक बारा मास का, बिना मुल्क अस्त होता है, एक जति पुरुष रहता है। हाँ महाशून्य कमल कैलाश
पास में एक जटी पुरुष रहता है, एक जटी पुरुष रहता है। महाशून्य कमल कैलास में एक जटी पुरुष रहता है, एक जटी पुरुष रहता है।